हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड वॉर। इंटरनेशनल ट्रेड वॉर क्या है? तो जैसे हमको समझ लग रहा है, ट्रेड वॉर मतलब कि बिजनेस के बीच में जो लड़ाई हो रही है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, क्या इंडिया का रोल है और क्या इसका नुकसान है पूरी दुनिया के लिए। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड वॉर है क्या। तो क्या है ट्रेड वॉर? इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिज्म इन विच स्टेट्स रेज और क्रिएट टैरिफ्स। इसका मतलब है कि जब किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या उनकी डोमेस्टिक ग्रोथ रुक गई है और उनकी कंट्री बहुत डिपेंडेंट हो गया है बाहर से, जो बाकी कंट्री से जो लोग वो इम्पोर्ट्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ ऐसे मेजर्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे टैरिफ्स लगा देते हैं जिनकी वजह से उनके जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू होती है। तो हम इसको भी आगे समझेंगे कि कैसे किसी बाहर के जो कंट्री से जो मटेरियल आ रहा है उस पर टैरिफ लगाने से आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ती है। आगे हम बढ़ते हैं। अगेंस्ट ईच अदर इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड बैरियर्स क्रिएटेड बाय अदर पार्टी इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन कॉज बोथ नेशंस आउटपुट कंपटीशन टू मूव टूवर्ड्स देयर अनफेयर पोजिशन। तो मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा ऐसे टैरिफ्स या ऐसे मेजर्स को यूज़ किया जाता है तो दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होता है और ओवरऑल जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी कम होता है। तो आपको एक बार ट्रेड वॉर पता लग गया, अब हम डिस्कस करते हैं टैरिफ। तो टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ इज़ अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बिटवीन स्टेट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपको पता है टैक्स में क्या होता है कि हम अपनी जो भी हम इनकम होती है उसका थोड़ा एक छोटा सा हिस्सा स्टेट को देते हैं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चे चला सकते, तो वो एक टैक्स होता है। तो टैरिफ भी एक तरह का टैक्स होता है जो कि स्पेशली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं किसी कंट्री पे, उस पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड अ पॉलिसी दैट टैक्सेस फॉरेन प्रोडक्ट्स टू इंकरेज और सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो वही जो मैंने आपको पहले समझाया कि अगर बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है तो उस पर टैरिफ लगा दो, जिसकी वजह से उसका डोमेस्टिक मार्केट में रेट बढ़ जाएगा और लोग प्रेफर करेंगे डोमेस्टिक गुड्स को लेना, जो कि शायद सस्ते उसको एक बेटर कॉस्ट में मिल सकें और जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ेगी। टैक्सिंग आइटम्स कमिंग इनटू द कंट्री मींस पीपल आर लेस लाइकली टू बाय देम एज दे बिकम मोर एक्सपेंसिव। वही चीज़ की जैसे कुछ अगर मटेरियल बाहर से आ रहा है उस पर आप टैक्स लगाओगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता ऐसा टैरिफ जैसा, तो उसका प्राइस कुछ कम होगा, तो जो आपकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो कोशिश करेगी कि जो सस्ती चीज़ है उसको खरीदे। तो ये होते हैं टैरिफ। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ट्रेड होता था, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ बड़ी इकोनॉमी से, बड़ी कंट्रीज से जैसे US, चाइना, इनसे बहुत सारा ट्रेड करती थी, और US और चाइना के आपस इन दोनों के बीच में भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा था क्योंकि ये वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। तो क्या हुआ, US के जो नए प्रेजिडेंट आए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आके बोला कि बहुत सारी कंट्रीज़ फ़ायदा उठाती हैं जो वो US को अपना मटीरियल भेजती हैं, तब तो वो US उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाता, कोई टैक्स नहीं लगाता, पर जब US से कोई मटेरियल उनकी कंट्री में जाता है तो उस पर बहुत हैवी टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से US की कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे बहुत सारा टैरिफ लगा दिया मई 2018 में। तो उन्होंने क्या किया कि US ने इम्पोज कर दिया टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम जो इनके इम्पोर्ट्स होते थे बाकी कंट्री से, जैसे कि यूरोप की कंट्री से होते थे, साउथ अमेरिकन कंट्री से होते थे और इंडिया से भी, इंडिया काफ़ी स्टील भेजता था US को। तो US ने क्या किया, 25% टैक्स लगा दिया स्टील पे और 10% टैक्स लगा दिया एल्यूमिनियम पे, जो कि उनको उनकी कंट्री में आ रहा था यूरोपियन यूनियन से, मेक्सिको से, कनाडा से और भी बहुत सारी कंट्री से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये टैक्स अनाउंस किए, एक रिटेलिएशन मतलब कि आप अगर कोई एक्शन करते हैं तो उसके जो मतलब एक उसके रिवर्स में जो एक्शन आता है उसको रिटेलिएशन बोलते हैं, कि मतलब अगर US ने कुछ किया तो उसके बदले में इन कंट्रीज ने भी टैक्सेस लगा दिए, इन्होंने भी टैरिफ लगा दिए उस सारे सामान पे जो US से इनकी कंट्री में आ रहा था। तो ये एक तरह से ऐसे हो गया कि प्रोटेक्शनिज्म फैल गया पूरी कंट्री में, US से शुरू हुआ, जो जो US के पार्टनर्स थे, बिजनेस पार्टनर्स, सब कंट्रीज़ ने करना शुरू कर दिया। UK जो कि US का एक बहुत ही पुराना ally है, वो इससे बहुत डिसअपॉइंटेड था इनके फैसले से। यूरोपियन यूनियन जो US के साथ बहुत ट्रेड करता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी ये जो नए टैरिफ्स लगे थे। और ये जो टैरिफ थे इन्होंने सबसे ज़्यादा हिट किया जैसे स्टील हो गए, स्लैब्स हो गए, कॉयल्स, रोल्स ऑफ एल्यूमिनियम्स और ये सब चीज़ें, मेटल प्रोडक्ट्स जो इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता था US को।
तो अब हमको बात करनी पड़ेगी कि यूएस ने तो जो करना था कर दिया, उन्होंने टैरिफ लगा दिए, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ा यूएस और चाइना के बीच के ट्रेड को? देखिए, हम यूएस और चाइना को स्पेशली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड के अमाउंट है वो बाकी सारी कंट्रीज़ का अगर ट्रेड मिला दें उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चाइना करेंटली यूएस का लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर है विद 659.8 बिलियन इन टोटल। आप देखें, एक साल की बात हो रही है, सिर्फ 2018 की, तो एक साल में ये लोग ऑलमोस्ट 700 बिलियन का ट्रेड कर लेते हैं, जिसमें 120 बिलियन के एक्सपोर्ट, मतलब कि 120 मिलियन का जो गुड्स है वो यूएस से जाता है चाइना को, और 540 बिलियन, ऑलमोस्ट 540 बिलियन के प्रोडक्ट्स चाइना से जाते हैं यूएस को। और ये जो पूरा ट्रेड होता है इसमें यूएस एक तरह से लॉस में चल रहा है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने वीडियोस में समझाया था कि ट्रेड डेफिसिट एक टर्म होती है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जैसे आप मान लें इंडिया है और इंडिया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स मंगवाता है बाहर की कंट्री से, और कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स यहाँ हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजते हैं। तो आप ऐसा मान लें, अगर हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं कुछ चीज़ 100 रुपये की, और यहाँ से कुछ भेज रहे हैं 50 रुपये का, तो हम लोग 50 रुपये के लॉस में हुई, क्योंकि क्या हुआ, हमने 100 रुपये की चीज़ मंगा तो ली पर वापस हमने सिर्फ 50 रुपये की चीज़ भेजी, तो हम एक तरह से 50 रुपये के नुकसान में है। तो सेम ही यूएस के साथ हो रहा है कि यूएस चाइना से मंगाता बहुत कुछ है, पर चाइना को जो वापस भेजता है, जो अपने गुड्स भेजता है, उसकी कॉस्ट कम होती है। तो इस टाइम यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि यूएस के लॉस में चल रहा है, वो है $419.2 बिलियन का। तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, यही शायद इसी अमाउंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने टैरिफ्स लगाए। तो और इसमें इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं, जो कि जिसमें कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं होते, वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में 77.3 बिलियन और ये सारी अमाउंट की है। उसके बाद इतनी सारी जॉब्स जो डिपेंडेंट है दोनों कंट्री में, क्योंकि अगर यूएस कुछ भेज रहा है चाइना को, तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इसको किसी प्रोडक्ट को रेडी करके चाइना को भेजना है। तो बहुत सारी जॉब्स ऑन स्टेक हैं यूएस और चाइना के बीच में। और उसके बाद आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो यूएस की कंपनीज़ या यूएस की गवर्नमेंट जो चाइनीज़ कंपनी में, चाइनीज़ मेनलैंड में जो इन्वेस्ट कर रही हैं, और वैसे ही उल्टा कि चाइनीज़ कंपनी हैं जो वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस में। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यूएस का FDI कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और चाइना का FDI कितना है यूएस। अब ये आप ये देखिए इस ग्राफ में, ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखा सकता है कि क्या प्रॉब्लम थी डोनाल्ड ट्रंप को, क्या उनको दिक्कत हो रही थी कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे इतने टैरिफ्स लगाए। तो ये जो आप दो लाइन देख सकते हैं, रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन, जैसे जैसे ये लाइन बढ़ेगी वैसे वैसे यूएस का लॉस बढ़ेगा। तो ये जो बीच में है ये डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। इसका रेड लाइन का मतलब है कि जो चाइना प्रोडक्ट्स बना के भेज रहा है यूएस को उसका ग्राफ, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो यूएस प्रोडक्ट्स बना के भेजता है चाइना को। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसकी वजह से उन्होंने ये मूव लिया। तो फिर हुआ क्या, जबकि यूएस और चाइना के बीच में ऑफिशियली एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई, ट्रेड वॉर मतलब यूएस ने टैरिफ्स लगाए और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने टैरिफ्स लगाए, और एक तरह से दोनों कंट्रीज़ ने बातचीत करना थोड़ा कम कर दिया, उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ जो थी वो स्टेक पे आ गई। बहुत आप देखिए यार, यूएस और चाइना की जब ट्रेड वॉर शुरू हुई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो वो स्टेक पे आ गए, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर पता नहीं लग रहा था कि क्या ये ट्रेड होता रहेगा, क्या ऐसे टैरिफ्स लगते रहेंगे, तो ट्रेड तो एक ना एक दिन उनको रोकना पड़ेगा अपना। देखिए आप इस पिक्चर में एक और आपको और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, आप इस ग्राफ से आप इस 2019 के लाइन को छोड़ दें, क्योंकि 2019 अभी पूरा ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है ये अभी इतनी एक्यूरेट नहीं है, पर अगर आप बाकी सारे ईयर्स में देखें 2015, 16, 17, 18, तो आप देख सकते हैं कि जो यूएस के एक्सपोर्ट्स थे वो तो इतने बड़े गैप से नहीं बढ़ रहे थे, पर जो चाइना के थे वो इतने उसमें बड़ा बड़ा गैप आ रहा था, 483 से 462, फिर 505, फिर 539। तो इसका मतलब ये है कि चाइना की जो ग्रोथ हो रही थी वो तो एक अच्छे लेवल पे हो रही थी, पर यूएस ऐसी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा था, जिसकी वजह से यूएस की जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर इस आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यूएस ने जो टैरिफ लगाए चाइना पे, तो यूएस ने क्या किया, एकदम से $250 बिलियन वर्थ के जो चाइनीज़ गुड्स थे उन पर टैरिफ लगा दिया। 250 बिलियन डॉलर एक बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, जब भी इतनी बड़ी वैल्यू पर टैरिफ लगेंगे तो सीधी बात है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत एक बड़ा हिट आया था चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को। और ये जो टैरिफ लगे थे, जो ड्यूटीज़ लगे थे 10% से 25%, मतलब अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है
तो वो टैरिफ्स के बाद 110 रुपये से 125 रुपये तक भी बिक सकती है। तो इससे हमको सीधा पता लगता है कि अगर अगर वो कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर US मार्केट में जाएगा इन टैरिफ्स के साथ, तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो सोचेगी इतने बड़े प्राइसेस पे हम अपने डोमेस्टिक गुड्स खरीद सकते हैं क्योंकि वो उस पर कोई टैरिफ नहीं होता, तो वो सस्ते मिलेंगे। फिर क्या हुआ, अब हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि US ने जो करना था कर लिया। US ने फ़ायदा उठाया कि US इतना सारा इंपोर्ट करता है चाइना से, तो US ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए। चाइना इतना कुछ इंपोर्ट नहीं करता US से, तो चाइना के पास फाइट बैक करने के क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने $60 बिलियन जो वर्थ अमेरिकन गुड्स आते थे उस पर 5-10% का एक तरह से टैरिफ लगा दिया। पर ये इनका हम कह सकते हैं मेजर मूव नहीं था फाइट बैक के लिए। इनका मेजर मूव क्या है कि बहुत सारी US कंपनीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में। जैसे वैसे तो बहुत सारी हैं, पर जो टॉप की हैं वो है एप्पल। एप्पल आपको बताया कि US मेजर है, स्मार्टफोन मेजर, नाइक, 3M और बहुत सारी और कंट्रीज़। और इस आप पिक्चर में देख सकते हैं कि US में बिकने वाला सामान कितना परसेंटेज है उसकी जो चाइना में बनती है। तो चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है ये आगे ट्रेड वॉर में फ्यूचर में, कि वो क्या कर सकता है कि जो बहुत सारी US कंपनीज हैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उन पे कुछ इस तरह का टैक्स लगा दे कि जब उनके प्रोडक्ट्स वापस US मार्केट में जाएं, मतलब एक US की कंपनी के प्रोडक्ट्स वापस जब US मार्केट में जाएं तो वो एक हायर प्राइस में जाएं क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना में। तो ऐसा नहीं है कि चाइना इस ट्रेड वॉर में हार रहा है, चाइना के पास भी एक बहुत आप कह सकते हैं अच्छा सोल्यूशन है US को रिटेलिएट करने का। पर इस टाइम पर चाइना अभी वेट कर रहा है, चाइनीज़ चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पोजीशन पे जो उनका डिसीजन है उस पे एकदम कायम है, वो चाहते हैं कि नहीं ये टैरिफ्स रहें अभी। तो अब हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि जो जब ये दो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ जो सबसे टॉप इकोनॉमीज़ जब इनके बीच में ट्रेड वॉर होगी, इनके बीच में लड़ाई होगी, तो उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका पूरी दुनिया पे कुछ ऐसा असर पड़ेगा कि बहुत सारा गैप आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर चाइना को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स US देता था और वो टैरिफ लग गए तो US की कंपनीज रोक देंगे उसको भेजना, तो वहाँ पर एक गैप आ जाएगा। और एक बड़ा गैप आएगा कि US जो प्रोडक्ट्स मंगाता था चाइना से, अब वो क्योंकि प्रोडक्ट्स चाइनीज़ कंपनी में टैरिफ लग गए हैं वो रोक देंगे, तो एक वहाँ पर भी गैप आ जाएगा। उस गैप को किसी न किसी कंट्री को, किसी न किसी इंडस्ट्री को तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो एक तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है कि इन दो कंट्रीज़ का जो ट्रेड वॉर चल रही है जिससे एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और वो इस गैप को कवर करने के लिए वो लोग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं दो बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ। अब हमने समझ लिया US और चाइना के बीच में जो सब कुछ हुआ, US के मूव के बाद चाइना ने कैसे रिटेलिएट किया, चाइना पे क्या असर पड़ा। अब हमको थोड़ा समझना होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं स्टील और एल्युमिनियम जो इनकी कंट्रीज़ मंगाती थी उसकी वजह से इंडिया पे क्या असर पड़ा। तो इंडिया बहुत सारा स्टील एक्सपोर्ट करता था US को और ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन आ गया इंडिया के एक्सपोर्ट्स में US में 2018 में। पर एल्युमिनियम अभी भी हमारी अच्छी ग्रोथ चल रही है जो एल्युमिनियम हम US को भेजते हैं, क्योंकि इस पे जो टैरिफ थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। पर स्टील पे जो टैरिफ थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 50% रह गए, आधे हो गए जितने हम भेजते थे। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आप कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड की गवर्नमेंट है जो उनका फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि वो भी रिटेलिएशन टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब वो भी हम जो US से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं उस पर टैरिफ लगाएंगे। पर उन्होंने एक या दो बार इस चीज़ इसकी डेडलाइन आगे करी है कि अब लगाएंगे, क्योंकि इंडिया को पता है कि इस टाइम पर इंडिया एक ऐसी स्टेट में नहीं है कि वो US जैसी बड़ी इकोनॉमी से लड़ सके। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं डेंजरस बात होगी कि इंडिया US जैसी इकोनॉमी से अगर ऐसे उन पर टैरिफ्स लगाने की उनको धमकी देगा। चाइना एक ऐसे लेवल पे आ चुका है कि चाइना ये कर सकता है, पर इस टाइम पे इंडिया एक ऐसी स्टेट में नहीं है कि इंडिया US के ऊपर टैरिफ लगाए, बहुत सारे टैरिफ लगाए, उससे इंडिया को ही नुकसान होगा लॉन्ग रन में। आप ये देख सकते हैं इस पाई चार्ट में, आप देख सकते हैं कि US और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है तो वो किस सेक्टर में कितना होता है। तो सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो है प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स में, उसके बाद टेक्सटाइल्स में, फिर आते हैं आयरन स्टील प्रोडक्ट्स और बाकी सारे मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो US और इंडिया जो आपस में ट्रेड करता है। उसके बाद हम इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो US और चाइना के बीच में डिफरेंसेस आ गए उससे इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारा गैप बन जाएगा जिस गैप को किसी ना किसी कंट्री को कवर करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इस टाइम पे इंडिया से बेटर स्टेट में और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इतने सारे सेक्टर्स में इतनी डिमांड पूरी कर सके इन दो कंट्रीज़ की। ऑफ़ दी 300 बिलियन इन चाइनीज एक्सपोर्ट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू US टैरिफ, ओनली अबाउट 6% विल पिकअप बाई द फर्म्स इन US। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है जो स्टेक पे 300 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप ये सोचें कि इंडिया इस 300 बिलियन प्रोडक्ट्स का कुछ एक छोटा चंक भी
अगर इंडिया रिकवर कर ले, इंडिया उस पर अपना अपने मटेरियल को भेजना शुरू कर दे यूएस को, तो इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको कितनी ग्रोथ मिलेगी। इंडिया, जापान, कनाडा और भी बहुत सारी कंट्रीज इस टाइम एक तरह से रेस में है, वो चाहते हैं कि वो इस गैप को कवर कर लें, वो इस गैप को फिल करें और उनकी डोमेस्टिक ग्रोथ हो। पर अब हमको देखना होगा कि जो ट्रेड वॉर है आगे कैसे जाती है, कैसे चाइना इस पर रिटेलिएट करता है। इसी रिसेंट वीक में US ने पहले चाइनीज़ 100 बिलियन जो चाइनीज़ गुड्स थे उस पर फिर से टैक्स लगाया, फिर से टैरिफ लगाया, और बदले में चाइनीज़ कंपनीज़ ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 60 बिलियन के जो गुड्स मंगाते थे US पे उस पर भी टैरिफ लगाए। तो अभी तो ये ट्रेड वॉर का फ्यूचर बहुत ही आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कुछ नहीं पता ये ट्रेड वॉर आगे कहाँ जाएगी। पर एक चीज़ है, इस ट्रेड वॉर से इंडिया को थोड़ा बेनिफिट तो हो सकता है कि इंडिया जो वो गैप बनेगा चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पर और जो अमेरिकन डिमांड होगी वहाँ पर, उस अगर गैप को इंडिया एक छोटा उसका चंक भी अगर वो फुलफिल कर सके तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट का बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सबसे पहले समझ लगा होगा कि एक ट्रेड वॉर क्या होती है, इस टाइम पे जो ट्रेड वॉर है इसमें कौन सी 2 मेजर कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, उस ट्रेड वॉर में इंडिया का क्या रोल है और इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है उस ट्रेड वॉर में, अगर इंडिया एकदम से उस ट्रेड वॉर के हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अगर एक तरह से चेंज करे तो कैसे इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।